पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशालाबाई नीतू निगम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ SOF साइंस ओलम्पियाड फाउंडेशन की तरफ से हर साल होने वाले ओलम्पियाड एग्जाम के मॉडल पेपर, जो कि सिलेबस 2022-23 पे बेस्ड हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसके बारे में। ऑलरेडी हमने पहले भी वीडियो बना रखे हैं कि क्या सिलेबस रहते हैं क्लास फर्स्ट के सब्जेक्ट वाइज, और भी अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर क्लास के आप सिलेबस या मॉडल पेपर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, मैं वो लेकर आऊँगी आपके लिए। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मॉडल पेपर है, मैथ्स सब्जेक्ट है क्लास फर्स्ट। इसमें जो क्वेश्चंस जो रहते हैं फोर सेक्शन में बटे रहते हैं। फर्स्ट सेक्शन सिलेबस जो रहता है पैटर्न, ऑड वन आउट, मेजरमेंट, मेजरिंग यूनिट, जियोमेट्रिकल शेप, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, ग्रुपिंग, एनालॉजी, रैंकिंग टेस्ट, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फिगर। फर्स्ट सेक्शन जो हमारा ये हो जाता है रीजनिंग से होता है, जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 रहते हैं। सेकेंड सेक्शन हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग है, जो सेक्शन 2 में आपका टॉपिक्स दिए रहते हैं, जिससे भी 10 क्वेश्चन रहते हैं और पर क्वेश्चन 1 मार्क्स रहते हैं। फिर एवरीडे मैथमेटिक्स थर्ड पार्ट बटा रहता है, जिसमें भी 10 क्वेश्चन रहते हैं और 1 मार्क्स पर क्वेश्चन रहते हैं। एंड लास्ट हो जाता है अचीवर सेक्शन, जिसमें 5 क्वेश्चन रहते हैं और पर क्वेश्चन 2 रहते हैं। तो इसके डिटेल्स ऑलरेडी हम बना चुके हैं, और भी ज़्यादा अगर आप डिटेल्स देखना चाहें तो आई बटन में मैं इसके लिंक डाल दूँगी। तो चलिए आज का शुरू करते हैं क्वेश्चंस। पहला है लॉजिकल रीजनिंग, विच फिगर इज फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड। इस फिगर में राइट से पाँचवें स्थान पर कौन सा फिगर आ रहा है। तो यहाँ हम भी को देख रहे हैं, लास्ट राइट है, तो यहाँ से हम काउंट शुरू करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। आर पर हमारा फिफ्थ एंड आ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाता है आंसर बी आर। क्वेश्चन नंबर 2, द वर्ड इन द गिवन इमेज आर फ्लाइंग डैश द हाउस। ऑप्शंस हैं हमारे, ऑप्शंस ए इनसाइड, बी अबव, सी बिलो एंड डी अंडर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अबव। द वर्ड इज इन द गिवन इमेज आर फ्लाइंग अबव द हाउस। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इन द गिवन नंबर पैटर्न। इस नंबर पैटर्न में पी एंड क्यू के नंबर्स को हमें फाइंड करना है कि ये नंबर किस पैटर्न से हो रहा है। तो चलिए हम देख लेते हैं, 1, P, 7, Q, 13, 16, 19। इसमें हम देख रहे हैं एक नंबर के बाद अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, जबकि लास्ट के 3 ट्रायंगल्स में सिर्फ नंबर्स हैं। तो इसके सीक्वेंस को हम देख लेते हैं पहले, फिर उसके अकॉर्डिंग हमारा नीचे का सीक्वेंस पता चल जाएगा। तो हमारा 19, 16, 13, इन तीनों की सीक्वेंस देखने की कोशिश करते हैं। तो 19 माइनस 3 16, 16 माइनस 3 13, यानी इसमें सीक्वेंस माइनस 3 करके नेक्स्ट नंबर हमें प्राप्त हो रहा है। तो उसी प्रकार हमें 13 माइनस 3 इजकल टू 10 एंड 10 माइनस 3 इजकल टू 7 हमें प्राप्त हो चुका है। तो ये इसी प्रकार सीक्वेंस चल रहे हैं। फिर 7 माइनस 3 इजकल टू 4 एंड 4 माइनस 3 इजकल टू 1। तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 4 एंड 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 4, मैथमेटिकल रीजनिंग से आ जाता है। नंबर 4, द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन इन द गिवन फिगर इज। इसमें से कितने स्ट्रेट लाइन गिवन फिगर में दिए हुए हैं। ये आपके हो जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5। बच्चों आप इसे खुद कर कर नंबरिंग करके बताएंगे हमें कितने स्ट्रेट लाइन हो रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट एच ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें से कौन से ऑप्शन में ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैं। तो नंबर ए में हम देख लेते हैं 5 ऑब्जेक्ट्स, बी में 3, 3, 6 एंड 7 ऑब्जेक्ट्स, सी में 6 ऑब्जेक्ट्स एंड डी में 4 ऑब्जेक्ट। तो सबसे ग्रेटेस्ट यानी ज़्यादा नंबर वाले ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं ऑप्शन बी, जिसमें कि 7 ऑब्जेक्ट्स है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ द हॉकी स्टिक इज यूनिट, यूज दिस साइन एज 1 यूनिट हो रहे हैं। तो इसमें हमें देखना है कितने यूनिट की ये हॉकी है। तो हम काउंट करके देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6
यूनिट हो रहे हैं, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 6। नेक्स्ट हमारा सेक्शन हो जाता है एवरीडे मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 7, रितु हैज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। रितु हैज 9 आइसक्रीम, कृति हैज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड कृति हैज 10। हाउ मेनी आइसक्रीम डू दे हैव ऑल टुगेदर, अर्थात रितु के पास 9 आइसक्रीम है जबकि कृति के पास 10 है, तो उन दोनों को मिलाकर कितने आइसक्रीम हो जाएंगे। सो करेक्ट आंसर इज 10 + 9 = 19। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, तानिया बाउट 8 एग्स फ्रॉम द मार्केट, सी ब्रॉक 8 एग्स, हाउ मेनी एग्स वेयर नॉट ब्रोकन। तानिया ने 9 एग्स मार्केट से खरीदे थे, 4 अंडे टूट गए, तो उसके पास कितने अंडे बचे हुए हैं या कितने अंडे टूटे हुए नहीं है। तो कितने अंडे बचे हुए हम देख लेते हैं, टोटल 9 एग्स है जिसमें से 4 टूट गए, तो कितने बचे, 1, 2, 3, 4, 5। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 5। क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। अब इसमें से हम देखते हैं इनकरेक्ट मैच कौन सा है। 3 + 2 = 5 और 8 - 3 = 5, दिस इज करेक्ट मैच नंबर बी। 4 + 5 = 9 और 8 + 3 = 11, सो दिस इज इनकरेक्ट मैच। तो करेक्ट ऑप्शन इज आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 10। द तनुज ड्रिंक्स अ फ्यू ग्लासेज ऑफ जूस, देयर आर डैश ग्लास ऑफ जूस लेफ्ट, तनुज ड्रिंक्स डैश ग्लास ऑफ जूस, यानी तनु ने कुछ ग्लासेस जूस पिए हैं, इसमें से कितने ग्लासेस इन्होंने छोड़ दिए है और कितने ड्रिंक्स ग्लास ऑफ जूस भरे हुए, ठीक है, तो कितने छूट गए जिसने, कितने उन्होंने जूस पी लिए, तो कितने छूट गए ये हमें देखना है। तो जो फिलअप हैं भरे हुए हैं वो हमारे पास बचे हुए हैं उनके पास, और जो नहीं है वो खाली हो चुके हैं। तो जूस आर ग्लासेस ऑफ लेफ्ट, देयर आर जूस लेफ्ट, कितने जूस छूटे हुए हैं, तो 1, 2, 3, 4, 4 जो है जूस बचे हुए हैं, तो 4 हो जाएगा। एंड तनु ड्रिंक्स ग्लास ऑफ, तनु ने कितने ड्रिंक्स ग्लास, कितने ग्लास ऑफ ड्रिंक्स जूस पिए, तो जो खाली हो चुके हैं ग्लास उसे तनु ने पी चुकी है, तो कितने खाली ग्लास में दिख रहे हैं, 1, 2 एंड 3, तो 3 हमारे पास खाली हो चुके हैं, तो तनु ने 3 ग्लास ऑफ ड्रिंक्स पी चुकी है, तो कितने जूस बचे हुए हैं, 4 एंड पी है तनु ने 3, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दिस इज करेक्ट आंसर। सो आई होप आपको आइडिया हो चुका है कि मैथ के लिए किस प्रकार IMO क्लास फर्स्ट ओलंपियाड एग्जाम की तैयारी करवाई जा सके। मैंने आपको अपने वीडियो में इसके रजिस्ट्रेशन ओपन के संबंधित क्वेश्चंस, संबंधित फॉर्म के बारे में भी बता चुकी हूँ, आप कब तक इसके फॉर्म भर सकते हैं, कहाँ से भर सकते हैं, ये सारे डिटेल अगर आप देखना चाहें तो प्लीज़ हमारे वीडियो के लास्ट में इसके डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वो अवश्य देखें। साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूँगी कि चैप्टर वाइज मैं ओलंपियाड एग्जाम से संबंधित प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं लेकर आ रही हूँ, उसे भी आप अवश्य देखें, जिससे काफ़ी हद तक आपके बच्चों की तैयारी हो जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ हमारे चैनल पर बने रहें, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।